नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन टू अ टॉक शो बाय खुशबू से। लास्ट एपिसोड में हमने पेजेंट्री के रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी, लेकिन पेजेंट्री में एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, एक किरदार निभाता है, वो होता है पेजेंट फैशन कोरियोग्राफर। और आज हमारे जो गेस्ट है जिनका नाम है दीप्ति वोरा, वो एक फैशन कोरियोग्राफर है। और आइए हम उनसे जानते हैं बहुत सारी बातें रिलेटेड टू द फैशन पेजेंट्री क्राउड। दीप्ति जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि आप बहुत सारे पेजेंट्री कोरियोग्राफ करते हो, तो आपको कुछ पेजेंट्री कोरियोग्राफी के पहले आप कुछ थीम सोचते हो या सॉन्ग कुछ डिसाइड करते हो? आप क्या प्री प्लान करके कोई भी पेजेंट्री में कोरियोग्राफी करने जाते हो? एज अ कोरियोग्राफर, पेजेंट डायरेक्टर, जब भी शो होता है तो उसके पहले जो थीम होते हैं वो थीम को ध्यान में रख के सॉन्ग डिसाइड होता है। क्योंकि कैसे होता है कि कभी इंडियन थीम होता है, वेस्टर्न होता है, कलमकारी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होते हैं। यस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मिस कैटेगरी हो, मिसेस कैटेगरी हो, मिस्टर कैटेगरी हो, तो उनके अकॉर्डिंग भी सॉन्ग डिसाइड हुआ जाता है। क्योंकि अगर मिसेस को मैंने बहुत ही बोल्ड सॉन्ग दे दिया तो 100% उनको वो चीज़ें, माने उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उनको वैसे ही सॉन्ग सुनते हैं। शायद सॉन्ग सुन के वॉक ना कर पाए। एंड द सेम एज सेम एज जैसे मिस कैटेगरी होते हैं तो उनको थोड़ा सा बोल्ड सॉन्ग, थोड़ा सा वैसा सॉन्ग दे दिया तो वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ वो म्यूजिक के ट्यून पे वो लोग अच्छा वॉक कर सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी को जो सूट होती है वैसे सॉन्ग हम ले लिया करते हैं। हाँ, वो कंटेस्टेंट इजीली कैरी आउट कर सकते हैं इस हिसाब से सॉन्ग वगैरह। और आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है फैशन में अगर आप बोलना चाहेंगे तो? मेरा अभी तो एकदम फेवरेट सॉन्ग है अनस्टॉपेबल फॉर मिसेस कैटेगरी। इवन आई कैन प्ले दैट सॉन्ग फॉर द मिस कैटेगरी ऑल्सो। ओके, वाओ, वेरी वेल। एंड आई थिंक अनस्टॉपेबल इज अ वेरी नाइस, वो इटसेल्फ अपने को बीट जो रहते हैं वो एकदम पैपी रहते हैं फॉर द वॉक, फॉर द फैशन वॉक, इट गोज वेरी स्मूथली और वो सुनते ही वॉक करने को ईजी हो जाता है। ईजी हो जाता है। जैसे हम वॉक की बात करें तो लोग हमेशा कहते हैं फैशन वॉक क्या होता है, बस हील पहनो, अच्छे साथ जूते पहनो और वॉक कर दो रनवे में, तो ये हो गया फैशन वॉक। आप क्या क्या कहना है इस बारे में? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। बिकॉज लोगों को ये लगता है कि बस एक अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया, हील्स पहनी एंड देन स्टार्ट करो वॉक के लिए। बट नहीं, पैजेंट वॉक या फैशन वॉक या मॉडल वॉक वो नहीं है। आप गोरे हो या काले हो, बट आपकी पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस हो के जब आप मेकअप कैरी करते हो, आउटफिट्स कैरी करते हो, हील्स कैरी करते हो एंड वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनालिटी, यूनिक पर्सनालिटी को बाहर निकाल के आप जिस हिसाब से वॉक करते हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड द थिंग इज कि ऐसा जरूरी नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि जीरो साइज फिगर वाली लड़कियां होती है। yes, yes, अच्छे उन्होंने कपड़े पहन लिए, आउटफिट पहन लिए, मेकअप कर लिया, चार पांच इंच की हील्स कैरी कर ली, पूरी परफेक्ट। या बट समटाइम्स मुझे उनमें ना कॉन्फिडेंस, बहुत बार वैसे मॉडल्स में मुझे वो कॉन्फिडेंस और जो स्पार्क होता है उसकी मुझे वो लैक दिखा देता है। और कभी ऐसे होता है कि थोड़ी हेल्दी हो जाए बट जो उनका ग्रेसफुल वॉक होता है, उनकी अदाएं होती है, जो उन्होंने आउटफिट पहना है उसके हिसाब से उनके एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि अगर आपने इंडियन आउटफिट पहना है तो आपके एक्सप्रेशन वैसे ही होने चाहिए, ज्यादा लाउड नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। और जैसे कि अगर आपने इंडियन में वेस्टर्न के एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे हम डांस में एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वैसे ही आपको मॉडल में भी हमारे एक्सप्रेशंस भी होते हैं, हमारे आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप हेड रैम्प पे क्या पोज दे रहे हो, आप मिड पॉज क्या दे रहे हो, आप स्टार्टिंग एंट्री क्या कर रहे हो, आपकी एग्जिट किस तरीके से हो रही है, आपको कोरियोग्राफर ने जिस तरीके से कोरियोग्राफी या सीक्वेंस दी है उस हिसाब से आप किस तरीके से वॉक करो, ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको वॉक करना होता है। बट ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पूछा। लोगों को यही लगता है कि क्या होता है कोरियोग्राफी में भी, क्या होता है फैशन, वो लोग ये भी होते हैं कि फैशन कोरियोग्राफर क्यों रखना है, हील्स पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, रनवे वॉक कर लो, बस हो गया।
लेकिन हमारे दर्शकों का ये डाउट दीप्ति जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फैशन वॉक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोरियोग्राफी भी बहुत सारे पेजेंट्री में की हुई है। आप जो बिगनर्स रहते हैं, जैसे जिसी को आता नहीं है लेकिन उनको पेजेंट्री में वॉक करना है, पेजेंट्री में आगे बढ़ना है, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो, उनको क्या सिखाते हो आप? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक हरनाज संधु जीती, उसके बाद मान्या सिंह जीते, जो बहुत ही यू नो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता था कि लाइक हमें अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट ये काफ़ी सारी हमारी ही मॉडल्स ने प्रूव किया है कि नहीं, आपके पास अगर टैलेंट है, एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द फैशन इंडस्ट्री। एंड बिगिनर्स के लिए मुझे यही बोलना चाहती हूँ कि लाइक उनके सबसे पहले तो उनके बॉडी पॉस्चर्स, उनके बॉडी पोजेस, देन उनमें जो एक स्टाइल होती है, जो यूनिकनेस होती है, उनको उनमें पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करके, उनकी पर्सनैलिटी में यूनिकनेस लाके, बाहर लाके उनको जो वॉक करवाना होता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होता है। और मैं ये बोलती हूँ कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि पेजेंट्री में मेरे पास लोग मॉडल्स आते हैं और बोला कि हमको तो आता है, हम लोग तो ऐसे वॉक कर लेते, बट जब मैं उनको देखती हूँ, जब वो लोग हेड रैंप पे जाते तो हाफ टर्न, फुल टर्न, 360 डिग्री टर्न उनको पता ही नहीं होता है, मिड पोज क्या होता है, दे डोंट नो, इवन दे डोंट नो अबाउट द टी स्टैंड। अगर आप फीमेल मॉडल हो, फीमेल मॉडल में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपका टी स्टैंड, और काफ़ी मॉडल्स को टी स्टैंड पता ही नहीं होता। यस, वही बात है कि बहुत लैक ऑफ नॉलेज होता है उनको, और वो ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि बस वॉक कर लो, हो गया, दिस इज डन। बट जैसे दीप्ति जी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें होती है और वो बिगनर्स को भी वो डील करते हैं, तभी वो ये सारी चीज़ें आप उनको बताते होंगी जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वॉक करनी, और क्या उनको आप सिखाते हो? उनको दूसरी की भी बात है कि पैजेंट, ब्यूटी पैजेंट मीन्स नॉट ओनली वॉक, ओके, दिस इज़ लाइक ऑल ओवर पर्सनैलिटी, आपका, आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके से, आपकी लैंग्वेज पे कमान है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आपको ब्यूटी पैजेंट में क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो, अगर आप कहीं पे फंबल भी हो रहे तो, या आप कुछ सोच रहे हो तो आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए कि लाइक मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ ये कर रही हूँ, आपका एक्सप्रेशन भी इतना ही कूल होना चाहिए कि जज को भी जज नहीं करना चाहिए कि ये कुछ सोच सोच के बोल रही हो, और बहुत कूल काम रह के आपको क्वेश्चन की आंसर डिलीवर करना है। और नो डाउट सबसे पहले ये भी होता है कैमरा फेसिंग, काफ़ी लोग प्रैक्टिस के टाइम पे, जब मैं उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ, जब मैं उनको सिखाती हूँ, उनका ग्रूम करती हूँ, तभी वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि सामने मिरर होता है, तो हाँ। मिरर में वो लोग अपने आप को यू नो देखना, शोल्डर अच्छे से ये करना, एक डिफरेंट ओरा आते हैं। बट काफ़ी मॉडल्स का ऐसे होता है कि बट जब वो बहुत सारे लोगों को देख लेते हैं, कहीं पर वहाँ पर हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपने देखा रहेगा कि आपने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैमरा हमारे आजू बाजू घूमते ही रहते हैं ऑन स्टेज, तो बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि कैमरा कॉन्शियस भी हो जाते हैं मॉडल्स, और वहाँ पर वो लाइक यू नो थोड़ा सा, तो मैं ये बोलती हूँ कैमरा से आप कॉन्शियस मत हो, कैमरा के साथ आप फ्रेंडशिप कर लो तो उतना ही आप उनके साथ में बहुत अच्छे से, हमने भी कैमरा से दोस्ती कर ली है और हमारे सामने भी है कैमरा और वो बहुत आपने बहुत अच्छी सिखाई है। कि जब भी लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं तभी वो वन ऑन वन रहते हैं या तो फिर ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल उसके साथ रहता है तो वहाँ सीखते हैं, लेकिन जब भी ऑडियंस आता है इट्स अ वास्ट क्राउड, बहुत सारी आइज होती है उनके ऊपर, सो आधा 50% उनका जो कॉन्फिडेंस होता है तभी ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे मेंटर ही होता है जो आपको मोटिवेट करता है, सही राह दिखाता है और सही बात बताता है। तो दर्शकों, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि रैंप वॉक ऑफ ब्यूटी पेजेंट मतलब खाली चढ़ना नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स रहते हैं, उन्हें बहुत फिनिशिंग देनी पड़ती है और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है जो एक पेजेंट्री डायरेक्टर और एक पेजेंट कोरियोग्राफर ही कर सकता है। आपने बहुत सारी पेजेंट्री कोरियोग्राफी की है,
तो कभी कोई पेजेंट्री कोरियोग्राफी में कहीं दिक्कत आई है तो आपने कैसे हैंडल किया है एज एन डायरेक्टर, एज यू आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द पेजेंट कोरियोग्राफर? कैसे होता है कि लाइफ में जब तक चैलेंजेस नहीं आते तब तक वो चीज करने में मजा नहीं आती है, एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो तो आगे रास्ता अपने आप मिलता जाता है। मैं ये चीज में मानती हूँ। तो बस यही होता है कि जैसे कि हर शो का एक खुद का एक थीम होता है, वो थीम को एज अ कोरियोग्राफर एज अ पेजेंट डायरेक्टर वो थीम को पकड़ के चलना है। जो भी हमारे पास मॉडल्स आते हैं उनकी जो यूनिकनेस और उनकी जो स्टाइल को हमें बाहर लानी होती है, थीम को पकड़ के वो उन मॉडल्स की यूनिकनेस और स्टाइल को लेके दोनों को पकड़ के मॉडल्स को एक कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज हमें उतारना होता है। तो वो चीज़ काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो टफ लगती है और चैलेंजिंग लगती है, बट वो चीज़ें बहुत मज़ा आती है क्योंकि उसमें ही एक डिफरेंट वे में चीज़ जो बाहर निकल के आते हैं, और उसके साथ में जो मेरी कोरियोग्राफी होती है वो भी मुझे ध्यान में रख के, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो प्रेजेंट होता है ऑन स्टेज पे, अमेजिंग। ऐसा लगता है कि बहुत सारी कड़ी मेहनत और वो लोग के ऊपर काम करने के बाद जो रिजल्ट सामने एज एन कोरियोग्राफर को दिखाई देता है वो बहुत ही अच्छा लगता होगा। yes. कि जब भी खाना बनता है तभी बहुत सारी खुशबुए मसाला लगते हैं, लेकिन वो बनने के बाद जो टेस्ट लगता है वो बहुत ही रिलिशेबल होता होगा। yes. अपनी मेहनत का फल देखता है इंशाल्लाह। काफी खुशबू जी, मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अभी 2022 के दिसंबर, लास्ट दिसंबर में मैंने एक ब्यूटी पैजेंट कोरियोग्राफ किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मिसेस कैटेगरी में जीएसटी ऑफिसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उसके बाद वेट लिफ्टर, नेशनल विनर वेट लिफ्टर थे, एंड काफ़ी ऐसी पर्सनालिटीज थी, डिफरेंट वेरिएशन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वैसी थी कि उनकी पर्सनालिटी एक ठस्सेदार होती है बिकॉज वो अपने प्रोफेशन में एक सक्सेस पे जा चुके हैं। और ये ब्यूटी पैजेंट माने एक डिफरेंट वे होता है जहाँ पर यू नो एक एलिगेंट वे होता है, एक एक अलग से जो चीज़ें होती है ना, स्पार्क होता है, एक नाजुक नाजुक बोलते हैं कि जैसे नाजुकता को हम लोग को लेके आना होता है। और उनकी जो पर्सनालिटी पुलिस इंस्पेक्टर है उनको एकदम बोल्ड और फर्म रहते हैं। तो उनको जब मुझे सिखाना था तो फर्स्ट डे पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे उन जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनका वॉक, वो जो उसमें चलते हैं वैसा ही वॉक चल रहा था, जैसे वी आर गोइंग ऑन अ परेड ग्राउंड, या परेड परेड के जैसा ही उनका वॉक था। जो जीएसटी ऑफिसर थे वो खुद के उसमें काफी रुबाबदार होते हैं। तो सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी और उनको इसमें मॉडल की गई कैटवॉक में चलाना वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। वही है जो पर्सनालिटी होती है, जैसे हमारी पर्सनालिटी बात करने की, टॉक करने की, तो हम एपिसोड ज्यादा चलाने वाले हैं तो आपको हमें सुनना पड़ेगा, बराबर ना दीप्ति जी? वैसी इनकी पर्सनालिटी टफ थी। सो लाइक फर्स्ट ऐसे हुआ कि उन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी, माने वो कैरेक्टर को ही उसमें से बाहर निकालना था और मुझे मॉडल का कैरेक्टर अंदर डालना था। मतलब इतने साल का जो उनका रिजिड कैरेक्टर है वो निकालो और मॉडल का कैरेक्टर डालो, टफ जॉब। एंड सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज ही मैटर करती है, बॉडी लैंग्वेज में वो चीज ही नहीं आती मॉडल वाली चीज। नहीं, इट्स अ वाइज कॉन्ट्रास्ट। बट देन आफ्टर लाइक ग्रूमिंग होने के बाद, कोरियोग्राफी होने के बाद, जब वो ऑन द यू नो रनवे पे चले तो लाइक मुझे ही ऐसे लग रहा था कि ओ वाओ रियली ये लोग, आई मीन मैंने इनको चला है, टैप्ड योर बैक, दीप्ति यू हैव डन अ वेरी गुड। एंड देन जब उनके फैमिली वालों ने उनको बोला कि लाइक ये आप थे, आपने इतना अच्छे से, आप माने वो पर्सनैलिटी लग ही नहीं रही थी, आप पूरा कैरेक्टर आपका चेंज था। फैमिली वाले भी शॉक होंगे, ये हमारे घर के ही लोग है क्या? सो जब ऐसे सब यू नो चैलेंजेस आते हैं और हम लोग सिखाते हैं, और सीखने के बाद जो पर्सनैलिटी हम उनको ग्रूम करके ऊपर लेकर आते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है एज ए कोरियोग्राफर, उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल ऐसे फील होता है कि लाइक यस वी हैव डन। दीप्ति जी, पेजेंट्री में बहुत सारी लड़कियां आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं, एज ए मॉडल दे कम एंड दे वांट टू कंटिन्यू देयर एज ए करियर, तो उसके लिए क्या स्कोप है आगे? पेजेंट्री में ये लोग जीतने के बाद काफ़ी मॉडल्स अपने पे बहुत काम कर सकते हैं, उनको बहुत स्कोप है, जैसे कि फैशन वॉक, फैशन शोज हैं, कमर्शियल शूट्स हैं, इवन एक्टिंग में भी वो लोग कर सकते हैं। हमने देखा होगा हमारे ही बॉलीवुड काफ़ी जो
यू नो मॉडलिंग में से वो लोग एक्टिंग फील्ड में आए हैं. सो वेल, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब आप कोई भी पैजेंट जीतते हो, जीतने के बाद आपको कंटिन्यूअस उस पर काम करना है. आप ऐसे नहीं कि जीत चुके हो या बैठ गए, नहीं. तो वहाँ पर आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है, अपडेट रहना पड़ता है और कंपिटिटिव रहना पड़ता है. अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो अपने स्किल्स पे और अपने जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो उससे 100% आपको आगे रिजल्ट मिलता है. और कंटिन्यूस आपको नेटवर्किंग पे भी उस हिसाब से रहना पड़ता है. yes, क्योंकि yes, आपके स्किल्स और नेटवर्किंग आप दोनों चीज़ साथ में करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं. लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, एक क्राउन मिलने के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको आगे कंटिन्यूस काम करते रहना है. आपको क्राउन मिला है मतलब आपको बहुत सारी जिम्मेदारी मिली है, तो उस जिम्मेदारी को लेके आपको आगे बढ़ना है. और यू नो लाइफ में कभी भी एक बार आप चलना सीखते हो ना तो स्टॉप का बटन नहीं होना चाहिए. यू शुड कीप ऑन डूइंग. कौन सी भी एज हो, कौन सी भी सिचुएशन हो, ट्राई टू डील इट एंड कम आउट ऑफ इट. तो दीप्ति जी, हमारा सीजन टू में रैपिड फायर राउंड है. सो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमारा रैपिड फायर राउंड. एंड वी आर यू रेडी? हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके रिलेटेड जो पहला आंसर आपके दिमाग में आता है आपको हमें जवाब देना पड़ेगा. कुछ भी हो सकता है, इवन व्यूअर्स को भी नहीं पता है. यस व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट. फेवरेट मॉडल, फैशन मॉडल? ऑफ कोर्स ऐश्वर्या राय. फेवरेट पोज? फेवरेट पोज मेरे लिए 360 डिग्री टर्न. वेरी नाइस. एंड डिफाइन फैशन? डिफाइन फैशन ये होता है कि आपने जो भी पहना है उसको अच्छे से कैरी करके उसको बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी पर्सनालिटी में एक यूनिकनेस जो लेके आता है वो होता है फैशन. वेरी वेल सेड. एंड यू आर पास आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100. ओके व्यूअर्स, थैंक यू दीप्ति जी यहाँ आने के लिए. हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी बातें और उनको बहुत सारी जानकारी मिली है. एंड आपको शो अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को मिलना है. बाय.